कांग्रेसी तर्जुमान डी श्रवण ने टीआरएस पार्टी पर शदीद तनकीद की और कहा कि टीआरएस पार्टी में कई कायदीन पैसे खिलाकर शामिल हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की सताइश की और कहा कि जो साल में 12,000 रुपये देने का वादा किया है, अगर आवाम उन्हें वोट नहीं देगी तो उसका लालच देकर उन्हें कहा कि ये पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे और ये स्कीम को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने दिगर कई मुद्दों पर टीआरएस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। टीआरएस पार्टी के जितने भी पार्लियामेंट के उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार पूरे के पूरे, खास तौर से आधा से ज़्यादा लोग जो है सो 100 करोड़ क्लब वाले हैं। इसका मतलब है 100 करोड़ फेंको, टिकट खरीदो और एक 100 करोड़ खर्च करो, एमपी जीतो, जाओ तुम्हारे धंधाओं को, भू कब्जाओं को बचा लो, ऐसी एक क्लब बनाया गया है। ये क्लब वाले जो है सो आज पूरी तरीके से टीआरएस पार्टी में टिकट लेकर के जो है सो आज डेमोक्रेसी को रेडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तेलंगाना के आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, ऐसे 100 करोड़ क्लब वालों को एक खड़ी सी कड़ी सबक सिखाने की वक्त आ गया है। आज खास तौर से जो वेमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी बोल के नलगुंडा का उम्मीदवार है, उन्होंने 1600 करोड़ का जमीन एक झूठे कागजात तैयार करके जो है सो उन्होंने जमीन हड़प के 1000 करोड़ कमा के उसी कमाई से टिकट खरीद के जो है सो आज एमपी कंटेस्टेंट कैंडिडेट खड़े हैं। और निजाम के जमाने में जो 1902 के साल में जो 6th निजाम ने जो यतीम खाना बनाने के लिए जमीन दिया, उस जमीन भी हड़प लिए हैं। ऐसे पूरे उम्मीदवार जितने भी लोग हैं, पूरे भू कब्जा कोर है, लैंड ग्रैबर्स है और फाइनेंशियल एट्रॉसिटीज में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को पूरे टिकट दे करके जो है सो इन लोग आज डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गुजारिश ये की है, केसीआर साहब एक 4-5 सीट अगर हार भी गया एमपी या 10 सीट हार गया, कोई नुकसान होने वाली नहीं है, तेलंगाना को कोई आपत्ति नहीं है, मगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए और गरीबों का जिंदगी में सुधार लाने के लिए, खास तौर से जो राहुल गांधी जी ने जो प्रोग्राम लागू कर रहे हैं, हर साल जो 72,000 रुपए जो गरीबों के अकाउंट में डालने का जो प्रोग्राम है, 5 साल में 3,60,000 रुपए डालने का जो प्रोग्राम है, उसको नुकसान पहुंचाएगा अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना है तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा एमपी यहां पे जीतने की जरूरत है। और दूसरी बात भी है, टीआरएस और बीजेपी दोनों जो है सो अंदरूनी से हाथ मिला हुए हैं, इन लोग ये चीज को समझते हुए जो है सो आज टीआरएस को आप वोट डाले तो बीजेपी को डाले वैसा, कल के दिन ये इलेक्शंस खत्म होते ही जाके इन्होंने जो है सो बीजेपी को मदद करने वाला है। ऐसे गुमराह करने वालों से होशियार रहिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और जो गरीबी हटाने के लिए राहुल गांधी का जो 72,000 का प्रोग्राम है उसको लागू करने के लिए आप मदद कीजिए, ये हमारी तरफ से मांग है।